हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 63 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th, हमारी डेट 6th of January के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना जो चैप्टर पढ़ रहे थे क्वाड्रिलेटरल्स, उसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी ट्रायंगल्स की और क्वाड्रिलेटरल्स की। सो, अब तक हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो ट्रायंगल की और क्वाड्रिलेटरल की हैं, जिसके जो आपस में मिड पॉइंट जो होता है ट्रायंगल का, और बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर किए हैं। अब देखो नेक्स्ट हम क्या, आज भी मिड पॉइंट थ्योरम हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है मिड पॉइंट थ्योरम पे। सबसे पहले देखो, मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ठीक है, ट्रायंगल ड्रॉ किया है तो आपको पॉइंट्स ई और जो एफ है वो क्या है, ए बी और ए सी साइड के मिड वो है पॉइंट्स है, ठीक है, मिड पॉइंट्स है, मतलब बीचों बीच से काटते हैं, ये दोनों इक्वल है। उसके बाद आपको ज्वाइन करना है ई और एफ को। तो अगर आप ई एफ को और बी सी को मेजर करते हो, इनको नापते हो, ठीक है, और आप मेजर करते हो इन एंगल्स को, ठीक है, ए ई एफ को और ए बी सी को, इन एंगल्स को अगर आप मेजर करते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, यू विल फाइंड दैट जो ई एफ है ना, हाफ है इसका बी सी का, मतलब बी सी का हाफ है ई एफ, और जो ए ई एफ है और जो ए बी सी है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्लियर? सो अगर ऐसा होता है तो जो ई एफ है वो पैरेलल होगा किसके, बी सी के, ठीक है, ये दोनों चीज़ फॉलो होनी चाहिए, इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। क्लियर? सो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम, अब आते हैं मिड पॉइंट थ्योरम पे। देखो जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो क्या कहती है, कि जो लाइन सेगमेंट है जॉइन करती है मिड पॉइंट्स के ट्रायंगल के, वो पैरेलल होती है थर्ड साइड के, ठीक है ना, ये पैरेलल होती है थर्ड साइड के। इट मींस हमें अगर मान लीजिए गिवन है ई जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है ना, ये आपकी साइड है ए बी, इसका ई मिड पॉइंट है, और एफ है जो मिड पॉइंट है ए सी का, तो जो रिजल्ट है वो क्या है, ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, ये रिजल्ट है। तो क्या इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू होगा? सो हम देखेंगे कि इसका जो कन्वर्स है वो भी ट्रू है। कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कि जो लाइन ड्रॉ करी है मिड पॉइंट्स पे से, जो मिड पॉइंट पे से जो लाइन ड्रॉ करी है वो क्या होगी, और जो पैरेलल होगी थर्ड साइड की, वो क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी ये लाइन दोनों साइड्स को, ठीक है, ये आपका कन्वर्स ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब गिवन क्या है, हमारे पास ई मिड पॉइंट है ए बी, ए बी का, और एफ मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। तो इफ अगर ई एफ पैरेलल है बी सी के, तो इसका मतलब, सॉरी ये गिवन है आपको, एक मिनट डायग्राम में देखो, ये आपको गिवन है मिड पॉइंट है इस लाइन का, और ये पैरेलल आपको दे रखा है, तो इसका मतलब जो एफ है वो भी क्या है, मिड पॉइंट है, ये कन्वर्स हो जाएगा इसका। क्लियर? अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे। एग्जाम्पल में क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में जो डी है, ई है और एफ है रिस्पेक्टिवली, ये क्या है, मिड पॉइंट्स है ए बी, बी सी और ए सी के, ठीक है। सो हमें शो करना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है ना, उसको फोर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो फोर ट्राइंगल्स है ना, कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल इक्वल है, इनकी हर चीज़ इक्वल है, इनके एंगल्स, इनकी साइड, सारी चीज़ें इक्वल है। तो ये चार कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनते हैं जब हम ज्वाइन करते हैं मिड पॉइंट्स को तीनों के, ठीक है। सो कैसे करोगे, आप देखो जो डी है और ई है, ये मिड पॉइंट है हमारे ए बी के और बी सी के, ठीक है। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम्स जो हमारे पास ये है डी ई है वो क्या होगी, पैरेलल होगी ए सी के, है ना। उसके बाद जो डी एफ है, इसी तरीके से डी एफ पैरेलल होगी बी सी के, और जो ई एफ है, ई एफ पैरेलल होगी ए बी के, ये हो गया। इसका मतलब जो ए डी ई एफ है, ए डी ई एफ है ये जो है, और जो बी डी ई एफ है, बी डी ई एफ है, और डी एफ डी डी एफ सी ई है, ये है, ये पैरेललोग्राम्स है। सो जब जो डी ई है ये डायगनल है पैरेललोग्राम का, इसका पैरेललोग्राम का डायगनल, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, हमने पिछली वर्कशीट पे किया था ये, है ना। सो अब इसी तरीके से बाकी ट्रायंगल्स में भी, इसमें इस पैरेललोग्राम में देखोगे तो ये डायगनल है, ये दो पार्ट्स, ये दोनों ट्रायंगल भी इक्वल हो जाएंगे। फिर इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो चारों ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हमारे प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में हमें दो क्वेश्चन गिवन है, फटाफट से इनको कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल एट सी है, ठीक है, मतलब इस तरीके से है ए बी सी, राइट एंगल है सी पे, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी, ए बी हाइपोटेनस, ये मिड पॉइंट है एम, पैरेलल है बी सी से, ये पैरेलल है इससे बी सी से, एट डी, पैरेलल टू बी सी, इंटरसेक्ट ए सी एट डी, इस पॉइंट पे डी है। तो आपको शो करना है जो मिड, जो डी है वो मिड पॉइंट है ए सी का, दूसरा जो एम डी है वो परपेंडिकुलर है ए सी के, थर्ड जो सी एम है, सी एम है जो वो क्या है, हाफ है एम ए के इक्वल है, और हाफ है ए बी का। देखो
गिवन क्या है आपको, पहले गिवन हम लिखेंगे, ये आपके पास ट्रायंगल है एबीसी, इसके अंदर ये एम और डी आपका, एम आपका मिड पॉइंट है। तो देखो गिवन है ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल जो सी है वो 90 डिग्री है, तो जो एम है इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम क्या है मिड पॉइंट है ए बी का, सो एम डी इज पैरेलल टू बी सी, क्लियर। सो टू प्रूव डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो जो डी है वो मिड पॉइंट है ए सी का, सबसे पहले ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, जो ए डी है वो सी डी के इक्वल है, ये प्रूफ करना है आपको। तो ए डी को सी डी के इक्वल प्रूफ करने के लिए मैं जो ट्राइंगल है ए बी सी इसके अंदर एम क्या है मिड पॉइंट है ए बी का, तो एम डी, एम डी पैरेलल है बी सी के, ठीक है, और डी क्या होगा मिड पॉइंट होगा ए सी का, ठीक है। क्योंकि ये थ्योरम थी ना, ये क्या है, ये दोनों पैरेलल है ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब मिड पॉइंट कन्वर्स है जो मिड पॉइंट थ्योरम का, उसके हिसाब से जो डी है पॉइंट क्या हुआ ए सी का मिड पॉइंट हुआ, ठीक है। तो बस प्रूफ हो गया, तो देयरफॉर मिड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्यों, क्योंकि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये हमारी थ्योरम थी। नेक्स्ट है आपको परपेंडिकुलर दिखाना है एम डी को, एम डी को आपको परपेंडिकुलर दिखाना है ए सी के, ठीक है, 90 डिग्री आपको इसमें दिखाना है। तो देखो जो एम डी है वो पैरेलल है बी सी के और जो ए सी है वो ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ से जो एम डी सी, एम डी सी और बी सी डी, बी सी डी इनका जो सम है वो क्या हुआ 180 डिग्री हुआ, ये पैरेलल है आपकी और ये ट्रांसवर्सल है, तो इनका सब इंटीरियर एंगल्स का जो सब इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के दो जो दोनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सब 180 होता है, तो यहाँ से ये 180 है। अब हमें पता है जो सी है ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट एंगल डैट सी है ना, तो ये 90 है, तो एक 90 की वैल्यू पुट कर दी इसके नीचे तो एम डी सी की वैल्यू भी 90 आएगी, तो इसका मतलब एम डी के परपेंडिकुलर है ए सी के, हैंस प्रूव्ड, सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। थर्ड है सी एम इज इक्वल टू हाफ, इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, अगर मैं ज्वाइन करती हूँ एम सी को, दिस इज योर ए बी सी, ठीक है, और ये आपके पास एम डी, अगर मैं एम सी को ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, तो ए एम डी ट्राइंगल में, ए एम डी ट्राइंगल में और सी एम डी ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल में अगर हमें देखें तो जो ए डी है ए डी सी डी के इक्वल है, फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया है, दूसरा जो ये दोनों 90 डिग्री है ये और ये, ठीक है, और तीसरा ये कॉमन है, तो ये तीनों जो जो दोनों ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट हुए, किससे साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सी पी सी टी से सारी चीज़ें इक्वल होंगी, तो इसका मतलब ए एम है वो एम सी के इक्वल होगा सी पी सी टी से, क्लियर, हैज प्रूव्ड, ये भी हो गया क्लियर। सो अब ये इक्वल थे, ये तो दिखा दिया हमने इक्वल है, अब इक्वल है तो आधे आधे ही तो होंगे, तो एम हाफ होगा ए बी का, क्योंकि एम क्या है मिड पॉइंट है, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जो सी एम है वो क्या है हाफ है ए बी का, जो कि मैं प्रूव करना था, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर वन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ए बी सी एक रेक्टेंगल है पी क्यू आर, उसके मिड पॉइंट से साइड ए बी बी सी सी डी और डी ए के रिस्पेक्टिवली, तो आपको शो करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर वो क्या है एक रोम्बस है। तो देखो क्वेश्चन टू, गिवन क्या क्या है आपको, आपको गिवन है ये आपका ए बी सी डी का एक रेक्टेंगल है और जो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस ये क्या है मिड पॉइंट से साइड्स के, ठीक है, सो प्रूफ आपको करना है जो पी क्यू आर एस है वो रोम्बस है, पी क्यू आर एस क्या है एक रोम्बस है, सो कंस्ट्रक्शन क्या है जॉइन ए टू सी, ए सी आपको ज्वाइन करना है। तो अगर हम ट्राइंगल ए बी सी के अंदर देखें तो जो पी क्यू मिड पॉइंट है, पी क्यू मिड पॉइंट है ए बी के और जो क्यू है, जो ये दोनों मिड पॉइंट है, तो हमारे पास क्या बनता है, ये दोनों क्या होंगे पैरेलल होंगी लाइन, तो जो पी क्यू है वो पैरेलल होगा ए सी के, राइट, पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी, और उस थ्योरम के हिसाब से तो ये इसका हाफ भी होता है, तो पी क्यू इज़ हाफ ऑफ ए सी, फर्स्ट हो गया। फिर सेकेंड है इन ट्राइंगल ए डी सी, ऐसे ही दूसरे ट्राइंगल में, अब इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, इस ट्राइंगल में एस आर मिड पॉइंट है तो ये इसके पैरेलल है, पैरेलल है तो इसका हाफ भी होगा, बस वही हमने लिख दिया यहाँ पे कि जो ए डी सी है ए डी सी में आर मिड पॉइंट होगा उसका, तो ये उसका हाफ भी होगा, तो फर्स्ट और सेकेंड से ये क्या होंगे पी क्यू आर आर एस के पैरेलल होगा, राइट, और इक्वल भी होगा, तो पी क्यू आर जो आर एस के पैरेलल भी है, पी क्यू आर एस के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो क्या होता है ये तो पैरेललोग्राम ही होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल, हैंस पी क्यू आर एस ए पैरेललोग्राम, प्रूफ हो गया, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर टू। तो ये दो क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए, कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।